अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, चाय ली है, पूरा घर फैला हुआ है क्योंकि पूरे बर्तन फैले हुए हैं अभी, और मैं रसोई क्लीन करने आई थी और उसके बाद फिर करेंगे हॉल वगैरह ही क्लीनिंग। आज दोनों में से एक भी हाउस हेल्प नहीं आई और अभी आएंगी भी नहीं, वो आएंगी एक परसों एक मंडे, संडे मंडे आएंगे अलग अलग दिन पे। अब तक के लिए थोड़ा सा काम क्या है, बहुत काम हो गया अकेले में चाहे आप कितना काम कर लो, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बच्चों का मूड स्विंग संभालते रहो यार। अभी तो दोनों खेल रहे हैं, कब जिया फ्रस्ट्रेट होगी कुछ नहीं पता है, तो वो इनको लगा करने आए तो ब्लॉग शुरू कर लिया जाए। तो घर ये काम करके बच्चों को नहला धुला के अभी हम लोग आए, मेरे बाल गीले हो गए क्योंकि ये लोग मेरे पास पानी डालते हैं नहाते टाइम, इनको मस्ती करनी होती है। तो ये नहा ली, ये हो गई है रेडी, जिया हाय कर दो। अब काजल अभी भी लगा ना वहाँ पे डार्क शक्ल हो गए। जिया ने क्या पहने कड़े दिखाओ। अच्छा जी, डुगू को भी हाय, डुगू भी नहा लिया है, हाय कर दो। फ्लाइंग किच, आप कार से खेल रहे हो अभी? कार कार कार। तो चलो अब डुगू को खाना खाना है। हाँ। अभी मेरे को उनका खाना बनाना है। बहुत सारा हो गया था, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम फैला हुआ था और कल का कुछ ज्यादा ही फैला हुआ था, तो मैंने आलू उबाल के रख दी। डुगू का है, डुगू भैया माओ को बुला दो। माओ माओ बोल दो, माओ म्याओ का है, म्याओ पापा। अच्छा पापा है वो, अच्छा पापा वहाँ है बेटा। मम्मा का है, मम्मा ही है। डुगू भैया, डुगू भैया का है, डुगू भैया वहाँ है, है ना। तो इसको माओ आज अपने कड़े पहने हैं ठीक है, और उसके बाद पायल की इज्जत कर रही थी, मेरी पायल मेरे उसमें डले हुए एंकलेट्स डले हुए, तो फिर आज ने पायल पहनी है, है ना। ये वाओ है, अभी आधे घंटे चढ़ के घूमेगी उसके बाद सोएगी, है ना। और जिया की चोटी ना पूरी आने लगी है, बस ये थोड़े से बाल है जो नहीं आ रहे हैं, पर उसकी पूरी चोटी अच्छे से बनने लगी है, टाइट नहीं है यार, यहाँ से लूज ही है वैसे। तो अभी क्या बेटा खाना
खाना तो बना नहीं, जब तक तुम बनाने ही नहीं होगी तो बनाइए कैसे मम्मा? क्या इसको कुछ चाहिए है? क्या चाहिए? क्या चाहिए? चमचम चमचम खाओगी? चलो मिठाई खा लो, तो खाना बनाती हूँ। कटलेट बनाते हैं, बहुत दिन से कटलेट खाए भी नहीं है। और आपको समझ में, हम सबसे पराठे कुछ ही बनाते, टाइम लग जाता। तो मेरे को लगा यार आलू उबाल लेते, जिसमें बर्तन करी थी उस टाइम मैंने आलू उबाल लिए। और अरे भाई भाई मिलेगा, चलो उसने अपना ऑटो किया, मैं भी ऑटो को ऑफ करा बोलने लगू। उसने अपना ऑटो नीचे फेंक दिया, अब पड़ा है पीछे मम्मा ऑफ को। बॉटल कहाँ बेटा आपकी? पानी की बॉटल कहाँ? तो अब मैं यहाँ पे बना रही थी कटलेट, और यहाँ तक एकदम सब कुछ सही था। राजा गए थे तो बच्चों को मैं देख रही थी, वो पीछे वाली राशन शॉप तक ही गए थे। और 10-15 ज़्यादा जाता है, मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। बट उनका वो उनसे लेके सब कुछ ऑफ हो गया, और मैं इतनी पैनिक कर गई कि पूछिए मत, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन मुझे काफ़ी टाइम लगा था। इस बीच में मैंने उन्हें कॉल भी नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियसली आपके पति गए, आपको पता है कि वो थोड़ा सामान लेके घर ही आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं जो खाना है वो कर रही थी कि कटलेट हो जाएंगे, थोड़ा सा मैंने खिचड़ी का भी वो कर दिया था, और डुगू उपमा खाना था जो कि जल भी गया यार, मैं थोड़ा सा वो हो गई थी पैनिक उस टाइम पे। तो यहाँ मैंने कटलेट की प्रिपरेशन करी, ब्रेड डाली है इसमें, मसाले डाले। मैं आज का ब्लॉग एकदम अच्छा लाइट मूड में करने वाली थी, और पता नहीं मैं जब भी ब्लॉग करने की सोचती हूँ उस दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि ब्लॉग किसी और ही डायरेक्शन में चला जाता है। जो मैं सोचती हूँ वो होता नहीं है, और जो नहीं सोचती वो जरूर हो जाता है। और यहाँ पे मेरे को लगा कि ये आए, इससे पहले मैं कटलेट को सेक सेक के रख देती हूँ, क्योंकि इनका आने का ही टाइम हो रहा था उस टाइम पे। और एक जगह मुझे लगा चाय चढ़ा देती तो फटाफट आके गर्म गर्म ही खा लेंगे। तो मैंने एक कॉर्नफ्लावर लिया है, और साथ में मैंने ली है ये सूजी। तो मैं कॉर्नफ्लावर वाला खाती हूँ, कॉर्नस्टार्च वाला, और राजा खाते हैं सूजी वाला। सूजी वाले में क्रिस्प रहती है, उन्हें सूजी वाला कटलेट अच्छा लगता है। सूजी से इसकी कोटिंग कर देते हैं, और ये कटलेट इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उनके लिए बना रही थी और साथ में अपने लिए बना रही थी, तो मैंने दोनों मटेरियल साथ में रख दिए थे कि दोनों साथ में हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कटलेट बनाना शुरू किया, और वही हुआ जब कटलेट सेक रही थी तो मुझे लगा यार ये आए नहीं अभी तक, ठीक है। फिर मैंने जब एक बैच निकाला उसके बाद फिर मैंने कॉल करना शुरू किया, और इनका फ़ोन जाने लगा बंद। और जब बंद जाने लगा ना, तो राजा का फ़ोन बहुत ही रेयर, बहुत ही कभी कुछ कंडीशन होगी तो फ़ोन ऑफ होता है। और अपना एक फ़ोन ये छोड़ के गए थे, एक फ़ोन लेके गए थे। तो जो लेके गए थे उससे पेमेंट भी करनी थी, तो फ़ोन तो ऑफ हो ही नहीं सकता अगर आप राशन शॉप पे गए हो। तो वही कुछ रीजंस थे जिसके कारण मैं पैनिक हो गई, और यहाँ मैंने जितने कटलेट थे उतने बनाए, और बाकी के मैंने छोड़ दिए। और मैं बहुत ही बुरी सिचुएशन में आ गई इस टाइम तक। यार मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा है, राजा गए हुए उन्हें कुछ सामान लेने के लिए पीछे ही गए हैं, बहुत टाइम लगा दिया और फोन ऑफ जा रहा है बेटा, बहुत सारा टाइम हो गया, मेरे को टेंशन हो रही है। तो मैंने आधे बनाए, मेरे वो भी जल गया सूजी का उपमा, और कॉल नहीं जा रही है, मेरा बहुत जी घबरा रहा है। हमें पता को समझ में नहीं आ, मेरे को फोन ऑफ समझ में नहीं आ रहा, पेमेंट तो उसी से करेंगे, गए पीछे ही मार्ट में। मेरे पास पीछे वाले का नंबर भी नहीं है। राजा ना कहीं बहुत लापरवाही करते,
लेके जाऊं पीछे जाऊं, मैं कैसे जाऊं यार, दोनों को लेके एक साथ कैसे जाऊं। मैं दोनों बच्चों को मैं अकेले होती तो मैं देख आती वो नहीं होना हो रहा इनका, मैं क्या करूं, मेरे को तो समझ से नहीं आ रहा है। मैंने बोला मैं कटलेट बना रही हूँ, तुम आओ जल्दी से। राजा आए और एक घंटे बाद आया कॉल के भी, उस टाइम पे कॉल लग गया था, मैं बहुत ओवर पैनिक हो गई थी, मैंने ओवर रिएक्ट नहीं किया, मैं पैनिक हो जाती हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई सहारा नहीं बचता है और राजा के जो दोस्त हैं उनके पास वैसे मिलते ही नहीं हैं, वो अपने काम में रहते हैं, ये अपने काम पर जाते हैं और डायरेक्ट आते हैं। पहले जब शादी हुई थी हम लोगों की तो कहीं कहीं बैठ जाते थे जैसे रहता है लड़कों का, पर अब नहीं, ऐसा है कि ये कहीं बैठ रहे हैं या कुछ है, तो मैं उनके पास फ़ोन करके और सिचुएशन फिर अजीब सी जाती है, ऐसे आप अपने हस्बैंड के बारे में बोलोगे कहाँ चले गए ये वो हो जाता है। तो क्या हुआ, तो कुछ सामान था जो लेके आना था, दूध वगैरह, तो पीछे हमारे मार्ट है तो वहाँ पे मिनिमम टू मिनिमम 5 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लग जाते हैं, पर 1 घंटे के आसपास हो गया, ये आया नहीं और फ़ोन ऑफ जा रहा था। ये अपना एक ही फ़ोन लेके गए थे जो कि आप लोगों ने एक फ़ोन देखा होगा, iPhone 15 प्लस लिया था हम लोगों ने, आई थिंक 2-3 महीने पहले ही लिया, अगस्त में लिया है, नहीं मेरे घर जाने से पहले लिया था इन्होंने अपने लिए, iPhone 15 प्लस लिया था। तो ये गए हैं और वहाँ पे कुछ ओपन स्पेस थी, रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ओपन स्पेस थी, हाथ में फ़ोन था, पता नहीं कैसे छूटा क्या हुआ, क्योंकि मैंने जाते तो कॉल नहीं किया, ये गए थे तो बोला 10-15 मिनट, चलो 20 मिनट लग जाते। इनका फ़ोन गिर गया नाली में, बहती हुई नाली में, और फिर बड़ी मुश्किल से वो फ़ोन ये टूटा हुआ ढक्कन है इसमें उंगली फंसा ली इसमें, हाँ तो वो क्या बोलते हैं गिर गया, फिर बड़ी मुश्किल से वो जब निकाला है तो इन्होंने ऑन नहीं किया, डायरेक्ट ये आईफोन सेंटर पे ही पहुँचे, और इनसे एक गलती हो गई कि मुझे इन्फॉर्म करके जा सकते थे ये, क्योंकि पैनिक हो गए थे तो इसीलिए ये चले गए, और ये गए हैं और वहाँ पे फ़ोन ऑन नहीं किया है, ऑल दो आईफोन का ऐसे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए बट स्पीकर वगैरह में फ़र्क पड़ जाता है। मेरी बहन के आईफोन में दाल गिरी थी और उसका जो आवाज़ आना था, मेरा खुद का आईफोन ऐसा हो गया अभी कि अगर मैं स्पीकर में बात करती हूँ तो आवाज़ आती है, आजकल उसकी आवाज़ अजीब सी हो गई है, बहुत मतलब लो हो गई, चाहे गाने चलाऊँ या वीडियो चलाऊँ बहुत ज़्यादा ना लो हो गई है, तो वही हुआ। और जी आप देखें वहाँ गए हैं, वहाँ पे उन्हें और टाइम लग गया, फिर वहाँ पे उन्हें सिम अपनी जो थी वो निकाली, क्योंकि उन्हें सेंटर में वो जो फ़ोन है वो दिया है, सिम निकाली है, वहीं पे किसी के फ़ोन में सिम डाली, जिस टाइम पे मुझे मैसेज आया था मेरे पास उनका कॉल गया है उस टाइम पे मेरी बात हुई है, और फिर सिम वापस से ऑफ हो गई थी क्योंकि लेके आए। अब इनका जो एक फ़ोन है, इनके पास पहले 3 फ़ोन थे, 2 फ़ोन एंड्रॉयड थे, 1 आईफोन था, एक फ़ोन हमारा घर पे राजा का ख़राब हो गया था, दिव्या मैं ये वाला फ़ोन नहीं दूंगी यार, नुकसान हो गया पता है, एक फ़ोन घर पे ख़राब हो गया था, एक फ़ोन मेरे पास और था एक्स्ट्रा, वो जिया ने कूलर पे डाल दिया, तो अभी अब गया है सर्विसिंग पे, जो भी इसके लगेंगे वैसे तो वारंटी में है, हमने इंश्योरेंस नहीं कराया था उसका, तो वही है अब कि यार वही यार थोड़ा सा परेशान हो रहे थे क्योंकि यार ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मेरा पुराना फ़ोन है 2021 में मैंने 13 Pro Max लिया था, तो मेरा पुराना है, इनका 15 Plus था और आई थिंक 16 भी आ गया है, तो वही था सुबह मतलब दिन से ऐसा वो हो गया, फिर आए हैं परेशान हो रहे थे, मैं आया तो मैं इतना रो रही थी इनके पास से, तो मैं राजा से कह रही थी मेरे पास ऐसी सिचुएशन फंसती है ना तो मुझे
हाँ अरे वो गलती से टाइम लग गया निकलने में। और जी अब मत करो, ये फोन है ना आपके पास है ना, तो इतना हुआ है। और उसके बाद फिर आए, मैंने एकदम से पसीने में पूरे नहाए वहाए आए थे। मैंने बोला मुझे इतना डर लग गया यार, आजकल समझ में नहीं आता मेरे को, वही ऐसा हो रहा था कि कुछ मेरी यार दिमाग में आती है चीजें। अगर आप किसी को बहुत प्यार करते हो, या मेरे पास इतने सही लोग हैं यहाँ पे, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। मैं पहले भी वीडियोस में ऐसे पैनिक हुई हूँ। मेरे लिए राजा और बच्चे यही हैं, और इनके लिए मैं हूँ। जी अब मत कर, बेबी क्या है ये है तो आवाज नहीं करूंगी मैं। हेलो करो, चलो हेलो कर लो। तो वही हुआ यार, मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत ज्यादा पैनिक हुई, मैं वही राजा तुम मुझे सिर्फ बता के चले जाते, फिर तुम 4 घंटे चले जाओ। मुझे पता हो ना, या किसी वाइफ को पता हो कि उसका हस्बैंड कहाँ गया है, कितना टाइम है, या किसी कारणवश वो कारण पता चल जाए कि वो लेट हो रहा है, तो शायद आप थोड़ा सा रिलैक्स कर जाते हो। ऐसे में मेरे पास कोई नहीं बचता है, क्योंकि मैं एकदम से बहुत दोस्तों को कॉल करूंगी, वो बोलेंगे यार आ रहा होगा, 1 ही घंटा वो आ हुआ है, इतना पैनिक क्यों कर रही है। पर मैं पैनिक इसलिए कर रही थी क्योंकि वो पीछे ही है मार। पर वहां पे कि कौन है ये सुंदर सी लड़की, कौन है? जिया है। जिया वीडियो बना लो एकदम से। आपको पता है आपके हस्बैंड जो है वो कॉल ऑफ नहीं रखेंगे या कुछ नहीं रखेंगे, तो मेरे लिए ऐसी कंडीशन बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करने वाली हो जाती है। तो मेरे को लगा ही था यार कि कुछ भी मैं क्या करूँ, मैं मेरे को समझ में नहीं आता ऐसे में मैं किसको कॉल करूँ, किसको बोलूँ, क्योंकि जो मेरी राखी सिस्टर है राजा की, उनको मैं बोलती पर 2.5-3 घंटे बाद बोलती, क्योंकि एकदम से 1 घंटे बाद मैं किसी को ही बोलती तो बहुत ही अजीब सा हो जाता वो सिनेरियो। और मेरे कटलेट पूरे आधे जो बनाए थे मैंने ठंडे हो गए, फिर वो आए तो फिर मैंने बाकी के बनाए, और फिर वो ठंडे वाले जो थे वो मैंने ऐसे ही रखे, उसके ऊपर गर्म कटलेट रखे, वो ऑटोमेटिकली गर्म हो गए। तो यार बस यही था मेरा बहुत, वो मेरे को समझ में नहीं आता यार। मेरे को वही लगता अगर आपका मायका पास में है या आपका जानने वाला, क्योंकि अब हमारा ना नेबरहुड ऐसा बचा है उसके बाद से, क्योंकि कहीं ना कहीं जब फैमिली में क्लैश हो जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि लोग एक साइड में डिवाइड हो जाते हैं, और अक्सर उस साइड में डिवाइड हो जाते हैं जो साइड भारी होता है ना, और वो साइड मम्मी पापा का है। तो कोई नहीं था जो मैं किसी को बोलती भी यहाँ पे, या सामने या आजू बाजू में कोई नहीं था कि किसी को ही बोलती मैं यार। मैं वही मैं राजा से कह रही थी कि राजा तुम मत किया करो, तुम मुझे इन्फॉर्म कर दो, तुम कुछ भी कर दो, पर तुम ऐसा सीन मेरे लिए मत किया करो, मेरा दिल बंद हो जाएगा। मेरा आज ऐसे ही लग रहा था, मेरे को उस टाइम भी हो रहा था, मैं जब बाहर खड़ी थी बच्चे देख रहे हैं मेरे को, मेरा रोना नहीं रुक रहा था यार। मैं बच्चों को भी ऐसे में स्ट्रांग होकर नहीं दिखा सकती, क्योंकि मैं उस सिचुएशन में ऐसी हो गई थी कि कोई बता दे बस कहाँ है, और फिर फ़ोन बेशक ऑफ है पर मुझे कोई बता दे कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि अंदर से हो जाता ना आपको, और फिर अब किसी को बोलने के लिए भी नहीं हो, कुछ नहीं हो। अब क्या नहीं है, मैं बहुत पैनिक हो जाती हूँ। मैं ऐसा नहीं कि बच्चों के बाद या बच्चों से पहले, मैं हमेशा से हो जाती हूँ जब भी राजा का कुछ भी होता है, क्योंकि राजा ऐसा होना ही चाहिए, क्योंकि राजा को ऐसा होता है अगर लड़ाई हुई है। ऑल दो गॉड प्रॉमिस इन लोगों की, मैं कसम नहीं खाना चाहती, हम लोग की कोई बात ही नहीं हुई, मेरी लड़ाई हुई नहीं है कि कोई लड़ाई होती। वही मैं इसलिए डर गई कि अगर चलो लड़ाई होती तो राजा कई बार चले जाते हैं, कुछ घंटों में आते हैं और नहीं आते आराम से, मतलब 5-6 घंटे फ़ोन ऑफ रखेंगे, आएंगे उसके बाद आएंगे। तो राजा का गुस्सा होने का एक पैटर्न, मैं गुस्सा होती हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, मैं बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँगी। अगर राजा गुस्सा होते हैं तो बच्चों से पहले भी और बच्चों के बाद भी अगर कुछ ऐसा होता है कि उन्हें गुस्सा आ गया है, कुछ है किसी बात पे फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो चले जाते हैं, फ़ोन ऑफ कर लेते हैं। तो उनकी ये बैड हैबिट है जो कि मेरे मायके में भी पता है, क्योंकि एक बार कंडीशन बहुत बुरी हो गई थी कि इनका सुबह 11:30 बजे से रात के 9:30-10 बजे तक फ़ोन नहीं लगा। मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, और मैं उस टाइम पे अकेले थी, बच्चे नहीं थे, और मेरी मम्मी से मैं रेगुलर वीडियो कॉल पे बात कर रही थी उस टाइम पे, और जब मैं बात कर रही थी और फ़ोन भी नहीं लग रहा था। आप सोच सकते हो कंडीशन क्या रही होगी, और मैं इतना रो रही कि मेरे को वही था कि उस टाइम लड़ाई हुई थी। तो वो लड़ते ही हैं ऐसा, वो घर वो इससे मैं राजा और हम लोग भी एक ऐसे लड़ाई होती, राजा ऐसे इंसान है कि वो चले जाते हैं। तो मेरे लिए आज ये हुआ कि हम लोग
लड़ाई हुई होती, हाँ मे बी कैमरा है, अगर हम लोग की लड़ाई होती तो मुझे पता होता कि चलो यार गए हैं तो ऑफ करके रखा है, 5-7-8-10 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो उनका बिहेवियर रहता है बच्चा होने के बाद, वो बिहेवियर नहीं है ऐसा कि बहुत रेयर हो गया, बहुत रेयर कि शायद ही वो इतने साल में ऐसे गए होंगे। बच्चों में से पहले उनका एक पैटर्न था ये कि गुस्सा हो गए तो चलेगा। तो मेरे लिए आज ज़्यादा ख़राब सिचुएशन इसलिए हो गई क्योंकि एकदम नॉर्मल सिनेरियो माहौल था, खाना वाना बनाई थी, मैंने बोला तुम जल्दी से आ जाओ, मैं कटलेट सेक रही थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे गए मैंने 5 मिनट लाए कटलेट सेक के, चाय बना के तब तक मैं फ्री हो जाऊँगी। और फिर वो गए हैं ना तो मेरे को वही टेंशन होगी, ना लड़ाई हुई ना कोई बात हुई, यार हुआ क्या है ऐसा कि इनका फ़ोन ऑफ है, फ़ोन नहीं इनको बिल्कुल मतलब नहीं कि कौन रो रहा होगा गा रहा होगा घर में। उसके बाद भी इन्होंने पता क्या किया, बताया मुझे आई थिंक कैमरे में कि आता हूँ मैं, बताया उस टाइम मुझे पूरी बात नहीं बताई, एंड जस्ट कट टू उसके मैंने फ़ोन दोबारा लगाया है 2-3 मिनट में कि इन्हें वापस कॉल बैक करती हूँ और फ़ोन ऑफ। फिर वो सिचुएशन वैसी ही हो गई थी, फिर मेरे को लगा चलो यार इनकी आवाज़ आ गई मुझे तो ये बोल रहे हैं आ रहा हूँ, मतलब वो आ रहे हैं, उसके आधे एक घंटे बाद ही आए हैं, 1 घंटा पूरा हुआ है। उसके बाद फिर मुझे पता चला कि पूरा केस क्या हुआ था, तो थोड़ा सा यार मैं कर जाती हूँ पैनिक, और राजा की इसमें पूरी गलती है, मैं नहीं बोल रही थी मेरे राजा की पूरी गलती, वो 2 मिनट आके बता रहे थे कि मेरा फ़ोन, या फिर इंसान का दिमाग नहीं चलाया, 1 लाख का फ़ोन पानी में गया है 2-4 महीने पुराना, तो वो थोड़ा सा हो गया यार इनके पास, तो अभी देखते दवाई देने गए हैं यार। तो मैं खाना बना रही थी तो मैंने अभी एक कढ़ी चावल बना दिए हैं, एक मैं बैंगन बना रही हूँ, और मूड ही नहीं हो रहा था आज, ये बहुत गंदे मूड में है, आप सोच सकते हो ना कि यार कोई, और इनका पहला आईफोन था ये, राजा ने कभी आईफोन नहीं खरीदा, वो एंड्रॉयड में कंफर्टेबल थे, इस बार उन्होंने बोला कि चलो मैं आईफोन खरीदूंगा, उनका पहला आईफोन था और पहले आईफोन के साथ 4-5 महीने में ये वाला काम हो गया। हमारे फ़ोनों की वाट लगी पड़ी है वैसे, पता है आपको, ये राजा का एक खराब हुआ है अभी ये बीते 7-8 महीने में, मेरा पानी में गया, राजा का जो एक फ़ोन था वो अपने आप बंद हो रहा था चालू हो रहा था बंद हो रहा था चालू हो रहा था, अपने आप फंक्शंस चल रहे थे उसके, उसे एक बार ठीक कराया फिर वो 4-5 दिन चला, फिर ठीक कराया फिर 4-5 दिन चला, फिर मैंने बोला राजा छोड़ दो इसे कोई मतलब नहीं। हमारे फ़ोन कभी ख़राब ही नहीं होते थे, कि हमारे जो फ़ोन चेंज करते थे हम लोग, जो पुराने फ़ोन रहते थे वो हम या तो सेकेंड हैंड में दे दिए या सारे के सारे रखे हुए हैं, और इस साल ऐसा हो रहा है कि सारे के सारे फ़ोन पानी में जा रहे हैं, राजा का भी पानी में गया, मेरा भी पानी में गया, एक फ़ोन राजा का वैसे ख़राब हो गया, ये फ़ोन भी मेरा है बट ये फ़ोन जो है ये बच्चों के हाथ में रहता है ज़्यादा, इसकी सिम मेरी 7-8-10 साल पुरानी सिम थी, ये अपने आप बंद हो गई, दूसरे फ़ोन में डाल के देखिए बंद ही हो गई, नंबर ही बंद हो गया अपने आप, पता नहीं एयरटेल का, तो ये बच्चों के पास रहता है वाला। तो यार इसी में मैंने ना मसाला भूना था, इसी में मैं जो बैंगन है वो चढ़ा रही हूँ, 1/2 किलो बैंगन लाए थे यार, सारे के सारे ही लाइक ऑलमोस्ट सारे ख़राब निकले, फूटे फूटे बैंगन बचे हैं मेरे पास में, और मसाला काफ़ी सारा है, तो मैं सोचती हूँ थोड़ी सी ग्रेवी कर देंगे इससे मसाला बैंगन ना बनाते हुए, तो ये मसाला हुआ, इतने से ही बैंगन निकले हैं यार, वो भी कुछ पूरे कट गए हैं कुछ, हाँ बेबी बस 1 मिनट ना, मैं चढ़ा के आ रही हूँ बैंगन, कोई मतलब के बैंगन नहीं आए इस बार, ऐसे कह भरते के बैंगन ले आओ, और भरते के बैंगन पूरे के पूरे खराब निकल जाते हैं।